जब मतलब बच्चे छोटे थे तो एक बार बोला मैंने इनको कि मतलब मकान बना लो नीचे बच्चे नीचे पढ़ाएंगे फिर इन्होंने मना कर दिया हमने कहा कि ज़मीन भी मत रखो ज़मीन भी बेच दो आज के बाद हम यहाँ से घर से जाएंगे नहीं बस उसके बाद हम मतलब घर में आए घर में मकान बनाया घर यहीं दुकान है यहीं सब कुछ है अगर हम नीचे चले जाते तो यहाँ कुछ भी नहीं होता हमारा सब बर्बाद हो जाता हम तो ये बोलते हैं कि मतलब जो नीचे जाने वाले हैं वो भी अपने घर आए और अपना घर संभालें घर की बराबर ज़िंदगी कहीं नहीं है जो आज़ादी हमारे पहाड़ में है ये बाहर थोड़ी नहीं है बाहर मतलब अब आज हम एक किलोमीटर यहाँ आ रखे हैं और घर में कोई नहीं है अगर बाहर रहते कहीं चले जाते तो वहाँ तब तक कुछ भी नहीं मिलता हमको हम तो बोलते हैं कि सब महिलाएं मतलब जो बाहर जा रखे हैं वो भी अपना घर आए और अपना घर संभालें